हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। आज से हम एक नए वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि आती है OWASP टॉप 10 2021 में फिफ्थ कैटेगरी में, जिसका नाम है इनसिक्योर डिज़ाइन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनसिक्योर डिज़ाइन, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इनसिक्योर डिज़ाइन वल्नरेबिलिटीज, फिर हम इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे इसका, फिर लास्ट में हम प्रिवेंशन देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इनसिक्योर डिज़ाइन, दिस इज द न्यू कैटेगरी विच इज इंट्रोड्यूस इन OWASP टॉप 10 लिस्ट 2021। ठीक है, ये नई कैटेगरी ऐड हुई है OWASP 2021 में, 2017 वाले में ये नहीं थी। इट फोकसेस ऑन द रिस्क दैट आर रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चुरल फ्लॉज। ठीक है, ये जो वल्नरेबिलिटी है ये फोकस करती है, ये जो कैटेगरी है फिफ्थ कैटेगरी जो है ये फोकस करती है रिस्क से जो कि रिलेटेड है डिज़ाइन और आर्किटेक्चर फ्लॉज किसी भी एप्लीकेशन के। ठीक है, फिर आता है थर्ड, इनसिक्योर डिज़ाइन रिफर्स टू द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज दैट कैन अराइज फ्रॉम पुअर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर डिसीजंस मेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, ये जो कैटेगरी है इनसिक्योर डिज़ाइन वल्नरेबिलिटी की, ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि अराइज होती हैं पुअर डिज़ाइन से एंड आर्किटेक्चर डिसीजंस मेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे जो प्रोसेस होती है जिसे SDLC भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके टाइम पे पुअर डिज़ाइन या किसी आर्किटेक्चर डिसीजन जो हमें लिए जाते हैं जो सही नहीं हुए होंगे, जो पुअर डिज़ाइन हुआ होगा, प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होगा, उनकी वजह से यह अराइज होती है। ठीक है, इनसिक्योर डिज़ाइन कैन लीड टू वेरियस सिक्योरिटी वीकनेस सच एज इनसफिशिएंट एक्सेस कंट्रोल, इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड द यूज ऑफ इनसिक्योर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये जो वल्नरेबिलिटी है इस इनसिक्योर डिज़ाइन की वजह से हमारे उसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटी वीकनेसेस आ सकती हैं, जैसे कि हो सकता है हमारे पास इनसफिशिएंट एक्सेस कंट्रोल हो, इनसफिशिएंट इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हो वाइल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, और यूज़ ऑफ इनसिक्योर लाइब्रेरीज जो होती हैं हमारे लैंग्वेजेस में, जैसे जावा में होती हैं, एंड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, दीज वल्नरेबिलिटीज कैन रिजल्ट इन डाटा ब्रीचेस, अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। फिर ये जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं इनका रिजल्ट क्या होता है कि जो इनका रिजल्ट आता है, जैसे कि डाटा ब्रीच होना, अनऑथराइज एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में, ठीक है, और अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है इनका। ये जो इनसिक्योर डिज़ाइन से जो वल्नरेबिलिटीज वीकनेसेस अराइज होती हैं उनका ये रिजल्ट्स होता है। ठीक है, जैसे डाटा ब्रीच हो जाना, अनऑथराइज एक्सेस होना किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे, और अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। और ये जो वल्नरेबिलिटी है इसका आपको डाटा बहुत कम मिलेगा इंटरनेट में, इसका प्रैक्टिकल सेशन भी नहीं है, इसका थ्योरिटिकल है, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल होते हैं वो हम आगे जाके या पहले हमने OWASP के उसमें डिस्कस कर लिया है, जैसे इनसफिशिएंट एक्सेस कंट्रोल, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल जो था हमारी वल्नरेबिलिटीज, और SQL इंजेक्शंस भी होते हैं इसमें इसकी वजह से। तो ये चीज़ हमने जो इसके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हमने अलग टॉपिक्स में कर लिए हैं, तो इसके कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये खाली थ्योरी सेशन हुआ। नेक्स्ट आता है, इनसिक्योर डिज़ाइन इनकम्पासेस वेरियस रिस्क दैट अराइज फ्रॉम इग्नोरिंग डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था आर्किटेक्चर बेस्ट प्रैक्टिस इग्नोर करना और डिज़ाइन इग्नोर करने से, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग फेज बिफोर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअल इम्प्लीमेंट होने से पहले जब हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ को करने की, उसी टाइम पे हम जो इग्नोर करते हैं डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की बेस्ट प्रैक्टिस को, उन्हीं की वजह से अराइज होती है ये वल्नरेबिलिटी। अ क्विक पॉइंट टू नोट हेयर इज दैट एन इनसिक्योर डिज़ाइन डिफर फ्रॉम एन इनसिक्योर इम्प्लीमेंटेशन। इनसिक्योर डिज़ाइन अलग टॉपिक है, इनसिक्योर इम्प्लीमेंटेशन अलग टॉपिक है। ठीक है,
इसको मैशअप नहीं करेंगे हम, एंड अ नियर परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट प्रिवेंट डिफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम एन इनसिक्योर डिजाइन। ठीक है, एक परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रिवेंट नहीं कर सकता इनसिक्योर डिजाइन को अराइज होने से। ठीक है, फिर है इनसिक्योर डिजाइन वल्नरेबिलिटीज अराइज व्हेन डेवलपर क्यूए एंड सिक्योरिटी टीम फेल टू एंटिसिपेट एंड इवेल्युएट थ्रेट ड्यूरिंग कोड डिजाइन फेज। ठीक है, यहाँ पर भी वही कह रखा है कि ये डेवलपर क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस और सिक्योरिटी टीम के फेल होने से, एंटिसिपेशन फेल होने से ये जो इवेल्युएट होती है कोड फेज में, डिजाइन फेज में। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लानिंग का फेस होता है। दीज वल्नरेबिलिटीज आर ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉट अडेरेंस ऑफ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन। ओके, विदाउट अ सिक्योर डिजाइन इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रेमिडिएट आर्किटेक्चुरल फ्लॉज सच एज, नेक्स्ट में आते हैं सच एज। ठीक है, अब आ जाएगा व्हाट आर इनसिक्योर डिजाइन वल्नरेबिलिटीज, कौन कौन सी होती है हमारी इनसिक्योर डिजाइन वल्नरेबिलिटीज। सबसे पहले होगी अनप्रोटेक्टेड स्टोरेज ऑफ क्रीडेंशियल्स। ठीक है, व्हेन डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम ऑफन इग्नोर सीक्रेट मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिस विद लीड टू सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग कोई भी एप्लीकेशन को डिजाइन करते टाइम जो डेवलपमेंट टीम है वो इग्नोर कर देती है जो एक्सेस कंट्रोल की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आती है। एज अ रिजल्ट द सिस्टम कॉमनली गेट्स कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ हार्मफुल पासवर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग यूजर पासवर्ड्स एज प्लेन टेक्स्ट इन एन एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। कहीं कहीं पे एप्लीकेशन में ना जो हमारा पासवर्ड्स है वो प्लेन टेक्स्ट पे स्टोर होते हैं, जो कि बहुत एक डेंजरस चीज है, क्योंकि इसको ईजिली जो अटैकर है वो यूज कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पासवर्ड्स हैं वो हैशेस फॉर्मेट में ही होने चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होने चाहिए वो, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और मेमोरी। ठीक है, डिजाइन फ्लॉज इन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट फॉर सर्टिफिकेट जनरेशन ऑल्सो इनेबल एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सच एप्लीकेशन सिक्योरिटी फ्लॉज वुड अलाउ अटैकर टू एज्यूम लेजिटिमेट यूजर अकाउंट एंड ऑब्टेन अनऑथराइज एक्सेस टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज फॉर डीपर सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशंस। A trust boundary is an interface in the program that allow for the safe exchange of data or commands between two entities. ठीक है, ये एक इंटरफेस होता है किसी भी प्रोग्राम में जो अलाउ करता है हमारा एक्सचेंज ऑफ डाटा और कमांड्स को बिटवीन दो एंटिटीज के बीच में। दीज इंक्लूड एरियाज ऑफ द एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट अनकंट्रोल्ड एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक HTTP रिक्वेस्ट नेटवर्क सॉकेट एंड फाइल अपलोड। ठीक है, दीज इंक्लूड एरियाज, ये इंक्लूड है एरियाज एप्लीकेशन के जहाँ पर से एक्सेप्ट होता है अनकंट्रोल्ड एक्सटर्नल इनपुट्स। जैसे कि हमने बहुत सारे इससे पहले लैब्स में देखा था जहाँ पर इनपुट और जो एक्सटर्नल इनपुट जो यूजर इनपुट कर रहा है वो प्रॉपर वैलिडेट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसी वजह से हमारी जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, SQL इंजेक्शंस होते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं ये मेनली जहाँ पर से वहीं उसी फील्ड्स में हो पाते हैं जहाँ यूजर कुछ इनपुट कर रहा है, जो यूजर कंट्रोल है, जो कि एक्सटर्नल यूजर के कंट्रोल पे है जो चीज़ डालना। तो जहाँ पे हमारा इनपुट फील्ड होता है वो यूजर के कंट्रोल पे होता है, यूजर उसमें कुछ भी डाल सकता है। पर एप्लीकेशन जब डेवलप्ड होती है तो उसमें जो आपका डेवलपर है उनको प्रॉपर वैलिडेशन लगाना चाहिए कोई भी इनपुट का, जिससे कि वो प्रॉपर वैलिडेट हो बिफोर रीचिंग टू द सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशंस अकर्स व्हेन द इंटरफेस एक्सेप्ट एंड स्टोर बोथ ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड डाटा इनपुट इन द सेम डाटा स्टोर। डेवलपर्स ऑफन फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड सोर्सेज इनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ मैलिशियस डाटा एंड कमांड। ठीक है, वायोलेशन ये ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशन तब होता है जब इंटरफेस जो होता है वो एक्सेप्ट करता है ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड डाटा दोनों को। ठीक है, तो इसमें डेवलपर
फेल होते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाती हो कि वो कौन सा ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, कौन सा डाटा अनट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एरर मैसेजेस कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि कभी कभी हमारे पास एप्लीकेशन कुछ ऐसे एरर थ्रो करती है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारी रिवील करती है, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन, जैसे कि मैंने एक तो लैब में आपको दिखाया भी है, कहीं कहीं पे जो है ये हमारा एरर मैसेज ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि हमारे बैकएंड में कौन सा डीबी चल रहा है। ठीक है, और कभी कभी जो एरर आते हैं जब हम यूजर नेम ऑथेंटिकेट करते टाइम पे कहते हैं, मोस्टली तो आपने देखा होगा जहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज होता है और प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज होती हैं, तो वहाँ पे जब भी आप रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो वो दोनों देगा, यूजर नेम और पासवर्ड, जिससे कि जो अटैकर हो, जो यूजर हो, कंफ्यूज हो जाए कि इसमें यूजर नेम गलत है पासवर्ड भी। तो पर अगर कोई एरर ऐसा आएगा कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो डैट मीन कि यूजर नेम तो सही है। तो ये इन टाइप के जो एरर्स होते हैं जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आउट करते हैं, रिवील करते हैं। मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई एरर कंडीशन एंड जनरेट डायग्नोसिस मैसेज दैट इन्फॉर्म यूजर ऑफ द एरर एंड पॉसिबल रेमिडिएशन। ऑफन दीज एरर मैसेजेस आर वर्बोस एंड कंटेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर आईडी, पासवर्ड, द एप्लीकेशन एनवायरमेंट और अदर एसोसिएटेड डाटा एंड अटैकर कैन एक्सेस। ठीक है, ये भी वही कहा इसने, द अटैकर कैन यूज द एक्सपोज डाटा टू लॉन्च अदर अटैक्स लाइक पाथ ट्रैवर्सल एंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ठीक है, उन एरर्स से जो उनको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाउंड होती है तो उससे वो किसी भी अटैक को लीड कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि पाथ ट्रैवर्सल अटैक हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, कमांड इंजेक्शंस हो गया, या एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के वेब अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट। अब ये जो वल्नरेबिलिटी होती है इनसे क्या क्या हमारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट भी जो है वो रिलेटेड होंगे हमारे जो इस वल्नरेबिलिटी इनसिक्योर डिजाइन से जो एराइज होती हैं अटैक्स उनके उससे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अटैक्स ऑन इनसिक्योर डिजाइन वल्नरेबिलिटी वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द अटैक, द डाटा एक्सपोज एंड द ड्यूरेशन इट कंटिन्यूज टिल डिटेक्शन। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अ सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट इंक्लूड्स जैसे यूजर एंड सिस्टम इन्यूमरेशन हो सकती है, मतलब जो अटैकर है वो यूजर और सिस्टम को इन्यूमरेट कर सकता है, मतलब फुटप्रिंटिंग कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकता है, कंप्लीट अकाउंट टेक ओवर हो सकता है। ठीक है, सिस्टम और डाटा ब्रीचेस हो सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस हो सकता है, डॉस अटैक बाय स्पूफिंग अ सर्वर विथ मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकता है, डॉस अटैक, प्रिविलेज एक्सलेशन हो सकता है फॉर कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, प्रिविलेज एक्सलेशन मतलब जब कोई लोअर जो प्रिविलेज वाला हायर प्रिविलेज को गेन कर लेता है। ठीक है, इसमें भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन होता है। हॉरिजेंटल वो होता है जब सेम लेवल वाले का सेम लेवल के यूजर्स के बीच में होता है, वो होता है हॉरिजेंटल। और प्रिविलेज होता है जैसे नॉर्मल यूजर जब एडमिन यूजर के प्रिविलेज को एक्सेस करता है। ये मैंने अपने उस वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये। फिर है आपका द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर अटैक्स सच एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एंड पाथ ट्रैवर्सल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, सिक्योर डिजाइन वल्नरेबिलिटीज को। स्टेबलाइज अ सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन डिजाइन फेज डेवलपमेंट टीम्स शुड इम्ब्रेस एक्चुअल डिजाइन मेथोलॉजी एंड एस्टेब्लिश डिजाइन पैटर्न। ठीक है, एक प्रॉपर डेवलपमेंट टीम ने एक प्रॉपर मेथोलॉजीज यूज करनी चाहिए। ठीक है, और एक डिजाइन पैटर्न का स्टेब्लिश करना चाहिए। इसके लिए सिक्योरिटी टीम शुड बी इंगेज एट द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड बी कंसल्टेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेसेस। सिक्योरिटी टीम का भी इसमें रोल है कि वो इंगेज हो इसमें पूरे डेवलपमेंट साइकिल में, और उनको जो डेवलपमेंट डेवलपर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके उसके जो सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही है
उसके इंटीग्रेशन के टाइम पे और पूरे डिप्लॉयमेंट के फेज के टाइम तक हमारा सिक्योरिटी टीम का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कंसल्टिंग करनी चाहिए डेवलपरों के साथ। स्टेब्लिश कंटिन्यूस यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्ट, डेवलपर्स शुड सेटअप ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्ट फॉर इंडिविजुअल फंक्शन एंड मेथड विद इन द मॉड्यूल कंपोनेंट एंड क्लासेस यूज इन द एप्लीकेशन। ठीक है, जो डेवलपर जो क्लास क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, उनके जो उनके अंदर जो एक ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए फंक्शंस का, कि वो क्या फंक्शंस कर रहे हैं, वो क्लास क्या फंक्शन कर रही है, कंपोनेंट्स क्या फंक्शन कर रहे हैं, जो हमने मॉड्यूल बनाया है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो उनको प्रॉपर चेक करने चाहिए कि कुछ भी हार्मफुल तो नहीं हो पा रहा है इसकी फंक्शनैलिटी से, कुछ ऐसी चीज़ तो रिवील नहीं हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए बाहर। ठीक है, ये चीज़ें सारा टेस्ट करना चाहिए डेवलपर को, एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्ट के लिए। सिक्योर कोडिंग, यूज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस डेट फॉलो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस टू मिटिगेट सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, एक सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, जो भी इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके लिए, टू मिटिगेट करने के लिए सिक्योरिटी रिस्क को। इंश्योर डेट द कोड इज रिव्यूड एंड टेस्टेड फॉर वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, जो कोड यूज हो रहा है वो रिव्यू होना चाहिए उसका और टेस्टेड होना चाहिए वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट में। ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन, यूज सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स सच एज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज टू मिनिमाइज अटैक सरफेस एंड लिमिट द पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये कह रहा है जो यूज करना चाहिए सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल को, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ठीक है, जैसे ये बहुत एक इशू है कि हमें जो भी प्रिविलेज, हाई प्रिविलेज सबको असाइन नहीं करने चाहिए, जो हाई प्रिविलेज है बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि जो उसका अटैक का सरफेस है वो मिनिमाइज हो सके और जो एक्सप्लॉयटेशन है वो लिमिटेड हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एडमिन के जो हाई प्रिविलेज, सुपर यूजर के प्रिविलेज हमने अगर ज़्यादा दिए होंगे, तो अगर किसी भी अटैकर, कोई भी अटैकर कॉम्प्रोमाइज करता है सिस्टम और उसको एक्सेस मिल जाता है किसी भी एडमिन अकाउंट का या एडमिन प्रिविलेजेस का, तो वो हर चीज़ कर सकता है फिर उस एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसलिए जो एडमिन प्रिविलेजेस होती हैं उनको बहुत कम असाइन करना चाहिए यूजर्स को। रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए सिक्योरिटी पैचेस के साथ एंड अपडेट टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज। सिक्योरिटी पैचेस रेगुलर रूटीन में हमारे चेक होने चाहिए, और अगर कोई अप टू डेट नहीं है तो पैचेस उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, और अपडेट टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज, और जो वल्नरेबिलिटीज अराइज हो रही हैं उसमें भी अपडेट रहना चाहिए। तो ये आज हमारे इनसिक्योर डिजाइन का सेशन था, तो इसमें प्रैक्टिकल सेशन कोई नहीं है मेरे पास, और आपको अवेलेबल भी दिखेंगे भी नहीं वो नेट पे कुछ चीज़ ऐसी इसके प्रैक्टिकल पोर्शन, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल जो है वो अदर वल्नरेबिलिटीज में कवर हो जाते हैं। तो इसके साथ मैं आज की लैब, आज की ये सेशन एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.